केरला स्टोरी जो मूवी है वो सबको देखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ शोइंग जस्ट दैट कि अपने कास्ट रिलीजन पे आपको भरोसा रखना चाहिए. कोई भी माइंड डाइवर्ट करेगा, वी शुड बिलीव ऑन अवर सेल्फ. अपने पेरेंट्स को, मैं पेरेंट्स को एक स्पेशल मैसेज देना चाहूँगी कि उनको ना अपने बेटों को बचपन से सिखाना चाहिए कि कास्ट क्या होती है, रिलीजन क्या होती है, उनका जो इम्पोर्टेंस है वो देना चाहिए. एंड एडल्ट स्टूडेंट्स जो है, लाइक गर्ल्स जो है, उनको अपने माइंड को सेट रखना चाहिए. और जो ट्रू लव में आप बिलीव करते हो, रॉन्ग नहीं है. आई कैंट से दैट आई एम ऑल्सो गर्ल. मैं ये नहीं कह सकती कि ट्रू लव वगैरह कुछ होता नहीं है, लेकिन जिस लड़के से प्यार करते हो घर में कन्फेस करना सीखो, क्योंकि फिर आप अपनी मर्जी से नहीं करते. फ्यूचर क्या है किसी को नहीं पता है, और ये स्टोरी सबको देखना चाहिए, बिकॉज ये ट्रू स्टोरी जो ट्रू ये इंसिडेंट्स है उस पर बेस्ट है. और मैं डायरेक्टर को थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने एक रियलिटी हम लोग के सामने फेस की. और सबको ये मूवी देखना चाहिए, फैमिली के साथ देखना चाहिए, गर्ल्स को स्पेशली देखना चाहिए. और बहुत पिक्चर अच्छा है. अब और ये अपने सब जो हिंदू धर्म के लोग हैं उसने भी समझना चाहिए कि अपना धर्म बहुत बड़ा धर्म है विश्व में, और ऐसा किसी के भी बहकाव में जो आता है दूसरे धर्म के लोग ब्रेन वॉश करते हैं, तो अपना समझना चाहिए. और घर वालों ने भी, जो घर पे अपने बड़े बड़े लोग हैं, उसने भी अपने बच्चे को अपना धर्म के बारे में सिखाना चाहिए. खूप चांगला पिक्चर आहे, आम्हाला आवडला. आणि केरळमधली रिअल स्टोरीच्या वरती आधारित आहे. तिथल्या मुलींबद्दल, मुलींना जे त्याच्या प्रेमात पाडून त्यांना कसं वापरलं जातं, आपल्या धर्मांचं, आपल्या धर्माबद्दल द्वेष पेरून त्यांच्या धर्मात कसं घेतलं जातं, त्याबद्दल त्यांनी रिअल स्टोरी सांगितलेली आहे. मी हे सांगू शकते की मुलांनी पिक्चर बघून याबद्दल काहीतरी प्रेरणा घ्यावी. आई वडील सांगत असतात, पण काही मुलं ते लक्षात नाही घेत, तर या पिक्चरवरून तरी त्यांनी प्रेरणा घ्यावी. आणि मी माझ्या मुलालाही हे सांग जी, बहुत अच्छी मूवी बनी है और बहुत कुछ सिखाती है समाज को, लोगों को, और आगे कुछ गलत हो उसके लिए भी बहुत कुछ सीख है. और ये मूवी मुझे लगता है ना कि सबको देखनी चाहिए. एक 18 साल के बच्चे को जिसको अलाउ नहीं किया है उनको देखना चाहिए, क्योंकि 18 साल का बच्चा ही और बेटी ही आपके हॉस्टल में जाते हैं, न कि 25 साल और 35 साल के लोग हॉस्टल नहीं जाते हैं. तो ये फिल्म उनके लिए भी अलाउ होनी चाहिए जो अंडर एज है, ताकि उन्हें सीख मिले, लोगों को सीख मिले. और बहुत कुछ सीखने मिला है, रियल स्टोरी पर है ये मूवी. और मैं तो यही कहूँगी कि सबको देखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी एज में हो. बहुत कुछ सिखाते हैं. एज अ पेरेंट्स मैं खुद चाहूँगी कि मेरी डॉटर के साथ कभी ऐसा ना हो, और मैं अपने आसपास भी यही न्यूज़ दूंगी, यही बताऊंगी कि लोग इस मूवी को देखें और कुछ सीखें यहाँ से, और एंड तक देखें. जो उसमें उनके माता पिता ने जो इंटरव्यू दिए हैं वो भी देखें, और बताएं कि क्या बीतती एक पेरेंट्स पे, एक बच्चे पे, एक माँ पे, एक बाप पे क्या बीतती है. ये मूवी देख के लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती है. एज अ पेरेंट्स मुझे पता है कि ये मूवी देखने में मेरी क्या हालत हुई है वहाँ पे. मैं, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है कि मैं कुछ भी बता सकूं कि वो मूवी कैसी है, या मैंने क्या फील किया उतने देर में उन लड़कियों के साथ क्या होता है और कैसे हो रहा है. और मैं सपोर्ट करती हूँ इस पिक्चर को 110%. थैंक यू सो मच.
We'll be right back.